Session number. Hi, good afternoon, everyone. Welcome to Heartcare Foundation of India. We are live on social media, Facebook and YouTube. Today we have another subject which we are bringing is on sculptures. We have today with us Mr. Ashish Bose. What we are doing basically is today we are decoding the art of sculptures. We are trying to bring the importance of art in our life. We are on Tuesday, 7th of September. And before I invite my guest, I will ask the user to basically display the presentation. Ritu, can you please on the presentation? So we have Mr. Ashish Bose, and we have a surprise for our viewers. After the presentation and his work, what he has done in the creativity, we will show what he has created for Heartcare Foundation of India. It has taken over a month. And once you see his work, what we have done, we will also discuss the purpose of art and the sculptures and the bust which people create, how it works out. So anyways, Ashish ji, आप हम हिंदी में बात करेंगे, हमारे पास व्यूअर्स हैं यहाँ पे, तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज मतलब आर्ट्स के साथ कब से जुड़े हुए हैं, कैसे आपकी लाइफ में आर्ट आया, आपने कैसे डिसाइड करा कि आप इस आर्ट में आओगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी अपना एक गुण लेके पैदा होता है, और बस उसे सर्च करना होता है। एक समय के बाद आपको लगता है कि आपका बेस्ट क्या है। तो मुझे लगा मेरे अंदर जो मूर्ति कला है, मैं बचपन से ही जब भी हमारे होम टाउन में कुछ पूजा होता था तो मैं वहाँ कुम्हार से मिट्टी ले आता था और आके कुछ ना कुछ गढ़ता था, तो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा। फिर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम छोटे से टाउन में अगर इस काम को लेके करोगे तो बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे, तो तुम्हें किसी बड़े शहर में अच्छा गुरु ढूंढना होगा। तो फिर मेरी सबसे पहली जर्नी कलकत्ता के लिए हुई और मैं वहाँ गया। मुझे मेरे गुरु जैन की फैमिली में सिर्फ आप ही पहले आर्टिस्ट हैं, आपके फादर मदर कोई उसमें से आर्टिस्ट है, उसके बाद आपको वहां से कला मिली? मेरे फादर हम लोग ज्वेलर्स हैं, तो हमारे ब्लड में एक जो क्राफ्टमैनशिप वो तो बचपन से ही है। मतलब हमारे फैमिली में जैसे मामा हैं, मेरे पापा हैं, और मतलब ये हमारा एक ज्वेलरी का वो भी आर्ट फॉर्म है, तो ये भी डिजाइनिंग। और बचपन से ही मैं क्राफ्टमैन, जितने भी मेरे कारीगर थे दुकान में 30-35 कारीगर थे, मैं जाके उनको कुछ ना कुछ बनाते हुए देखता था, तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती थी। इस तरह से वो फिनिश करते हैं चीजों को, गहने को गलाना, फिर मोड़ना, उसको एक शेप देना, तो ये सारी चीजें से मैं बचपन से ही मतलब जुड़ा रहा, देखता रहा, चीजों को सीखता रहा। ये हमारे साथ आशीष जी हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो भी इन्होंने आज तक का काम करा है आप उसमें देख रहे हो, इन्होंने क्या क्या अभी तक बनाया है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिजाइन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो
आपको कब लगा कि आप ये अपना प्रोफेशन बनाओगे? आपका शौक था, आप कलकत्ता में थे, आपको कब कब लगा कि आप इसको अपना प्रोफेशन बनाओगे और आप इस स्किल पे लेकर आओगे इसको? 10th के बाद मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम दुकान संभालो, तो मैं दुकान भी देखता था ज्वेलरी की और बाटा का मैं टॉप डीलर था गया। ओके, तो 3-4 साल मैंने ये काम किया, तो फिर अपने बाटा के जूते के काम से मैं कोलकाता गया और वहाँ मुझे मेरे गुरु मिले जयंत रॉय। फिर मैंने उनके स्कल्पचर्स बनाए हुए देखे और मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ अभी ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है मेरा आर्ट। तो फिर मैं अपने गुरु से बात की और उन्हें मनाया कि वो मुझे सिखाएं, तो फिर वो राजी हो गए। उनका कहना था कि आप पहले बना के मुझे कुछ दिखाओ, अगर आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटी होगी तो मैं आपके समय लगाऊंगा। तो फिर मैं 2-4 महीने घर में बहुत सारी चीज़ों को बना के फिर जाके मैंने उसके फोटोग्राफ लेके उनको दिखाए, तो वो मुझे सिखाने के लिए राजी हो गए। फिर 2.5-3 साल मैं उनके पास रहा कलकत्ता में और सीखा उनसे हर चीज़। तो सीखने के बाद फिर पहला काम मेरा 2001 में मैंने ऑल इंडिया एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में सबमिट किया। तो आपने प्रोफेशनल कोर्स करा इसके ऊपर आर्ट का? नहीं, मैंने असिस्टेंट ऑफ आर्टिस्ट हूँ और मेरे So, इसको आपको ये पूरा जो सर से लेके पैर तक इसको आपका 1 महीना लगा इसमें? जी। तो इसमें आपने अपना मतलब कितना घंटे लगाते हो दिन में? मैं 6-7 घंटे रोज काम करते हो 6-7 घंटे? जी। तो आपको इसमें आप इनपुट्स भी लेते हो, आप ये कैसे फोटोग्राफ से देखते हो, मतलब कैसे आपको पता देते हैं 3D डिजाइन होते हैं, कैसे आप देखते हो इसमें? अगर मुझे किसी का फेस मिला ना किसी मुझे फोटोज की जरूरत होती है, अगर आपको बहुत अच्छे स्कल्पचर चाहिए तो फेस के एक्सप्रेशन वगैरह या जीवन भाव लाना है तो मैं उस कैरेक्टर को जानना भी चाहता हूँ। जैसे मैंने दलाई लामा का बनाया था तो इनके बारे में मैं काफ़ी सालों से ही जानता हूँ, और फिर और रोमेश वाधवानी, वो भी पद्मश्री और दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उनसे भी मैं मिला, फिर उनके उनका भी बस मैंने बनाया। तो कैरेक्टर्स रजनीगंधा के लिए मैंने काम किया, सत्यपाल धर्मपाल उन सबकी मूर्तियाँ मैंने बनाई। तो आप एक समय पर कितने की बनाते हो? आप जैसे एक समय पर आप कितने एक बनाते हो, 5 बनाते हो, 3-4? तो आपको फिर कैसे ध्यान रहता है, जैसे आपने 6 घंटे आप एक पे मूर्ति बना रहे हो, अगर आप किसी और पे बना रहे हो तो थोड़ा सा चेंजेस वेरिएशन भी होती है? ये ज्यादा अच्छा है कि आप 2 घंटे स्कल्पचर पे काम कंफ्यूजन नहीं होती, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती, और कभी कभी मैं 2-3 दिन काम नहीं भी करता हूँ। अच्छा, तो अभी आपको थोड़ा ब्रेक दे दिया ताकि फिर फ्रेश माइंड से मैं काम कर सकूं। ओके, सो अभी हम जो देख रहे हैं ये ऋतु पर से चेंजेस करिए, आगे पीछे और दिखाइए स्लाइड्स। तो जैसे आपने ये बनाई हुई है, ये आपने कहाँ इंस्टॉल करवाई थी? ये रांची में है। ये रांची में है, ये मेरा पहला काम है लकड़ी का। ये लकड़ी पे? हाँ, लकड़ी पे 3 फुट का ये जीसस है। ओके, और इसके पहले मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, ये मेरा पहला काम है। तो ये लकड़ी के ऊपर आपने क्या, इस पे फैब्रिकेशन क्या है इसकी? ये पूरे लकड़ी के मोटी से सिली थी और उसको मैंने पूरा काटा है, उसको बनाने में मुझे 2.5-3 महीने का समय लगा। ओके, और उसके बाद जाके ये मेरा पहला, मैं इसी काम से सीखा हूँ। ओके, और काफ़ी मतलब तो मेरी मम्मी मुझे गाइड करती थी, तो कहती थी देखो थोड़ा चेहरा और मिलेगा या बॉडी का थोड़ा और स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान दो। तो मेरी बचपन से मेरी माँ ही मेरी गुरु रही, वो मुझे चौक देती थी और मैं उनके सामने हाथी घोड़े जो भी होता था वो मैं ड्राॅइंग करता था, तो मेरी पहली गुरु तो मेरी माँ है। और स्लाइड दिखाइए जरा, इससे पहले वाली स्लाइड दिखाइए। तो ये जो है ये थोड़ा सा
जो पहली वाली इमेज है इसमें ये कौन है? ये जयप्रकाश नारायण जी है और ये समाजवाद म्यूजियम लखनऊ में ये काम मेरा लगा। तो ये आपने इसमें आपके साथ कोई हेल्पर भी होता है या आप सब अकेले लगे हो? हेल्पर होता है वही, उसका इतना ही काम है कि वो मिट्टी ला के दे, मिट्टी थोड़ा लगा दे, बाद बाकी जो गढ़ना होता है। ये क्या मटेरियल क्या है? मिट्टी है? ये व्हाइट क्ले, ये व्हाइट क्ले है। तो ये आप इसका मोल्ड बनाते हो या फिर इसका एक फाइनल? नहीं, पहले सबसे पहले हम मेजरमेंट करते हैं स्कल्पचर का, उसके बाद लोहे का आर्मेचर बनाते हैं। जैसे हमारे अंदर स्केलेटन होता है उस तरह से हमें पूरा लोहे का आर्मेचर बनाना होता है अंदर, उसके ऊपर वो जैसे मतलब एक तरीके से आपका वो स्टैंड बन गया, स्टैंड बन गया। उसके बाद हम लोग फिर उसके ऊपर रस्सियों से बांध के और जूट वूट बांध के उसको एक थिकनेस देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मिट्टी से धीरे धीरे करके मेजर करके हर जगह मेजर करना होता है, फिर कपड़े के फोल्ड्स, और ये एक के बाद एक प्रोसेस है इसका धीरे धीरे धीरे। तो इसको कितना टाइम लगा था बनाने में? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये भी करीब सो क्ले वाला ज्यादा डिफिकल्ट होता है या फिर जो फाइबर से बनाते हो आप? सबसे पहला तो क्ले से ही बनाना होता है। किस किस तरीके से बन सकते हैं? एक क्ले मॉडलिंग होती है, एक स्टोन कार्विंग है, एक वुड कार्विंग है, ये कुछ और सेरामिक है। ओके, जो फॉर्म्स हम लोग दे सकते हैं क्ले में, सबसे बढ़िया फॉर्म कौन सा होता है क्ले में? देखिए आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, मैं वुडन कार्विंग भी करता हूँ और क्ले पे भी मैंने बहुत सारा काम किया है। और ये है NIA के चीफ थे जो राइट साइड पे हैं, संजीव कुमार सिंह। ओके, इन्होंने बहुत सारे भारत में जो भी हमले हुए थे और 26/11 को भी इन्होंने टैकल किया था, और NIA इनके वजह से काफ़ी राइज किया। तो मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े ऑफिसर का काम मुझे मिला बनाने को। तो ये कुछ दिन पहले मैंने ये कंप्लीट किया है, ये MP में लगेगा। ओके, इससे पहले वाले और दिखाइए जरा, हमारे व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज है। हम जो आज जिसकी वजह से इनको यहाँ पे बुलाया है हमने, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्कल्पचर हमारे लिए तैयार करा है, उसका लाइव डेमो भी दिखाएंगे और उसकी मेकिंग ऑफ दैट स्कल्पचर हम वो भी दिखाएंगे इसके अंदर। तो अब इसके बारे में जैसे आपने ये क्या चीज है राइट साइड पे जिसमें? ये काफी पहले का काम है और ये लव सीरीज के ऊपर। तो एक जो पीछे एक बड़ा सा लव था वो बनाएगा साइन, और उसमें कांटे लगे हुए हैं। अच्छा, हाले जैसे। इस काम का मैंने नाम रखा था मेहरबान कदरदान सावधान, मतलब प्यार जो लव है वो बहुत आसान खेल नहीं है। मेहरबान कदरदान सावधान, तो प्यार जो है वो आसान खेल नहीं है, आप अगर इसके अंदर से आओगे जाओगे तो मतलब ये गेम है। और ये बीच में जो है ये जब वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, ये म्यूजिक, ये बहुत सारे कील हैं। ओके, कि सबको युद्ध कर रहा है शीर्ष पे जाने के लिए, लेकिन विजेता ही मुझे जो समझ किया। वेरी नाइस। तो ये क्रिएटिविटी है आपको? ये क्रिएटिविटी हम क्रिएटिविटी हमारे अंदर तो होता ही है, हमें सर्च करना होता है। और हम जब किसी एक सब्जेक्ट मीडियम के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप वो हमें बहुत कुछ, मीडियम भी हमें बहुत कुछ कहता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बनाते हैं, जो चीज़ें हैं वो भी हमें बनाती है, बिल्ड करके के, और फिर हमारे कॉन्सेप्ट में वो भी बहुत बड़ा किरदार निभाती है। ठीक है, तो अब हम इनका जो जिसकी वजह से हमने इनको बुलाया है यहाँ पे, हम वो वाला काम दिखाएंगे इनका। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे जो मास्टर आर्ट है इनका वो एक बार आप इसको फर्स्ट स्लाइड दिखाइए मास्टर आर्ट की। तो जो मास्टर आर्ट है इसको आपको तकरीबन थोड़ा आगे दिखाइए थोड़ा और इसकी। हाँ, तो ये जो है आपका, ये आपने इनका आपने क्यों चुना बना लिया? ये आपके लिए एक क्या महत्व है आपका इनकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में और पूरे भारतवासी सबकी जिंदगी में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा महत्व। तो जो आपकी स्क्रीन पे है ये डॉक्टर KK अग्रवाल का स्कल्पचर बनना शुरू हुआ है, ये तकरीबन एक महीना लगा था आपको इसको बनाने के लिए? ये मुझे स्कल्पचर बनाने मुझे 12-15 दिन लगा। और पूरा शुरू से लेके करीब एक महीना? करीबन एक महीना। तो ये जो था ये इनिशियल स्टेज है जहाँ पे आपने क्ले को लगाना शुरू करा? नहीं, ये क्ले के बाद का है, जब हमने काम को कंप्लीट कर लिया फिर हम लोग फेस पे सिलिकॉन डाल। तो जो फर्स्ट स्लाइड आपकी इसमें आपने मेरे को भेजी हुई है जो आपने फर्स्ट, हाँ था वो उसमें है। आगे करना देखो जरा एक बार, नहीं सर आगे करो। तो फर्स्ट वो ये था? नहीं, ये था ये वाला, ये वाला, ये क्ले मॉडल, ये क्ले मॉडल है। इसके बाद ये आपने इसको बनाने में आपको
20 दिन लगे हैं, कितने 12 दिन 12 दिन लगे हैं। तो ये जो बनता है इसके बाद आप इसको तोड़ देते हो, ये टूट जाता अपने आप। नहीं, क्ले का बनाने के बाद हम इसका मोल्ड लेते हैं। नहीं तो अब इस चीज का क्या होगा? ये तो फिर हमारे पास मोल्ड खोलने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है ऊपर, क्योंकि पीओपी वगैरह। तो जो आपने 12 दिन की मेहनत करी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका एक मोल्ड बन जाएगा। हां, उसका मोल्ड, उसका एक मोल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्लाइड दिखाना जरा। तो ये आप जो मोल्ड बना है उसके ऊपर आप जी, ये क्ले मॉडलिंग बनने के बाद इस पे हमने इसका मोल्ड लेना स्टार्ट किया है। पहले सिलिकॉन हम लोग चेहरे पे डालते हैं क्योंकि चेहरे पे काफी डिटेल होता है। ओके, तो सिलिकॉन में वो सारे डिटेल, तो ये हर एक फीचर जो आपने डाला है फेस पे वो सारा इस पे स्टिक वो मोल्ड ले मोल्ड लेके आपकी फिंगरप्रिंट भी उसमें आ जाए, फिंगरप्रिंट भी आ जाएगा। तो फिंगरप्रिंट अगर वो रियल, अगर वो आप मतलब एक जैसे जो दिखाते हैं आर्ट का जो आप सिलिकॉन में डाल के हाथ दिखाते हैं उसकी, वो तो फिंगरप्रिंट है वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो इसमें आपने ये जो ये डाला है सिलिकॉन डाला है और इसके ऊपर इसके बाद फिर ये पीओपी। ठीक है, सो ये जो ये है ये तकरीबन आपने एक महीने पहले शुरू करा था बनाना। तो आपने ये जो हमने आपको फोटो दी थी, आप इसका आकार कैसे लेकर आए? क्योंकि सारी फोटोग्राफ्स हमने सामने की थी आपको। नहीं, बहुत सारे फोटो फिर साइड डॉक्टर साहब के वीडियो भी देखे, बहुत सारे आपके वीडियो भी देखे, मैंने स्क्रीन शॉट लिए और जो मुझे काफी मदद किया फिर उनके फेस को, और वीडियो में आप हर एंगल से एक आदमी को देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या कर रहे हैं? ये प्रोसेस है कि ये सेपरेट करते हैं हम लोग, एक स्कल्पचर को हम लोग दो पार्ट में, जो डाई बनता है उसका दो पार्ट लेना होता है। ओके, तो इसको हम लोग ये फेस के ऊपर क्या लगाया आपने? ये क्ले का ही है, ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है फ्रंट और बैक। तो इससे क्या होता है? अगर हम लोग डिवाइडर नहीं बनाएंगे तो हम लोग मोल्ड को खोल ही नहीं पाएंगे। अगर जैसे मेरा फेस है और अगर पूरा कोई पीओपी लगा दिया तो ये खुल नहीं पाएगा। ओके, डिवाइडर होने से जब हम लोग डिवाइडर के बीच में हम लोग छेनी से मारते हैं टूल से, तो वो अपने आप खुल जाता है। तो नेक्स्ट करिए, देखो ये इनका साइड प्रोफाइल है, किस तरीके से जब आपका मोल्ड तो बेसिक स्ट्रक्चर वो बन गया था, वो आपने बेसिकली ये आप अप्रूव कराते हैं हमारे। अगर ये आपका प्रूव हो गया तो फाइनल जो बनेगा वो इसके अकॉर्डिंगली बनेगा। तो ये आप मोल्ड का क्या करते हैं फिर इसके बाद? मोल्ड एक वेस्ट मोल्ड भी होता है और एक होता है पीस मोल्ड होता है, जो पीस मोल्ड हम लोग रख सकते हैं उससे और पीसेस निकाल सकते हैं। तो आप यहां तक ये व्यूअर्स को अपने जो जिनका है बनाया उनको दे देते हैं, अपने पास लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसे। मोल्ड तो आर्टिस्ट का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन अगर जो हमारे कलेक्टर हैं जिन्होंने हमसे काम खरीदा है बायर से, अगर उनको चाहिए होता है तो वो नेक्स्ट स्लाइड ले सकते हैं। तो देखिए कितनी बारीकी से ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और आई थिंक इन्होंने दिल से बनाया था तो इसीलिए इतना अच्छा इसमें वो आया है। इन्होंने हर एक माइनर स्पेसिफिकेशन जो है इसके अंदर, माइनर चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड करी है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। अच्छा, ये वीडियो दिखाइए, वीडियो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे रॉ है, जो फाइनल आउटकम है उसमें आप अभी हम आपको दिखाएंगे इसके बाद। लगभग जब आप शुरू करते हैं कितने टाइम के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं बना रहा हूँ वो लगभग जिसका बना रहा हूँ उसके बराबर बनेगा, या फिर आप इसको कैसे? कभी ऐसा होता है जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं, नहीं बना पा लेते हैं, उसी बनाते हैं, टीसी बनाते हैं, आप ऐसे करते हैं इसमें, या फिर क्योंकि क्ले है तो आप इसको मोल्ड चेंज करते रहते हैं? पहले ये क्या चीज़ है? ये वही चीज़ है सिलिकॉन जो डाल, तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर पक्का हो जाएगा। ये सिलिकॉन इसका जो भी डिटेल्स है उसको वो अपने में मतलब समा लेता है, वो उसका सारे डिटेल्स उसमें आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको
स्कूल पे हम लोग पीओपी लगाते हैं, वो उसका जैकेट का काम करते हैं ताकि उसको होल्ड करके रखें। ओके तो अब मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे हम पेंटिंग बनाते हैं, बहुत बड़ी जो कारीगर होते हैं जो घर बना रहे होते हैं वो भी काफी बड़ी गलती करते हैं, तोड़ते हैं दोबारा बनाते हैं, हमसे भी होती है। इसमें क्या करते हैं? हमसे भी गलती, पूरा क्ले दोबारा तोड़ते हो दोबारा बनता है? क्ले एक ऐसा मीडियम है कि आप उसको पूरा तोड़ने की जरूरत, जब तक वो गीला है तो आप उसको कहीं से भी काट कर सकते हो, फिर ऐड कर सकते हो। बट क्ले को सूखने में कितना टाइम लगता है? हम लोग क्ले को सूखने नहीं देते क्योंकि उसे हम लोग पानी स्प्रे करके और कपड़े से ढक के तो कच्चा रहता है, वो कच्चा रहता है। आप 3-4 महीने भी क्ले को आप रख सकते हैं। 3-4 महीने तक आप चेंज कर सकते हो? हाँ, चेंजेस जब तक वो गीला है तब तक उसको चेंज रख सकते, और आप उसको 3-4 महीने तक गीला कर रख सकते हो? हाँ, वो खराब नहीं होता? वो खराब नहीं होता। पहले क्ले के घर बनते थे। तो नेक्स्ट स्लाइड, ये वीडियो है मेरे ख्याल से, वीडियो प्ले करिए। तो ये जो है थोड़ा डिटेल प्रोफाइलिंग है, जो फाइनल जब इन्होंने इसको सिलिकॉन में डाला था और इसका मोल्ड लिया था, ये उससे पहले का है ये, तो इस तरीके से ये दिखता है। और जो आप देख रहे हो ये फाइनली ये टूट जाएगा, मोल्ड लेने के बाद, मोल्ड लेने के बाद ये टूट जाएगा, है ना। आप ये कह रहे हो ये वाला जो मोल्ड है या 3 महीने तक इसको आप चेंज कर सकते हो विदाउट, जब तक मेरा क्ले ड्राई नहीं होता है तो उस पे हम कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह के चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये क्या हो रहा है इसके अंदर? ये फाइबर कास्टिंग है ये मोल्ड, देखिए दो पार्ट में है। ओके, और दोनों पार्ट से पीस को निकाल के फिर, तो जो उनके हाथ में वो आधा पार्ट है और जो ये सामने है वो आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट है, फिर उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो जो आपने वो ऊपर सर के ऊपर वो पार्टीशन लगाया था उससे वो डिवाइड हो जाएगा, तो पीछे का पार्ट अलग हो गया, आगे का पार्ट अलग है। तो ये अंदर से खोखला बनता है या अंदर से भरा हुआ? नहीं है, हॉलो होता, हॉलो होता। तो कितना वेट होता है लगभग इसका? अगर एक छाती तक 15 किलो। और ये जो बना है मोले फाइबर में बनाया आपने? ये फाइबर। तो फाइबर क्या होता है ये, जैसे आप बता रहे थे मुझे हेलमेट? हाँ, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, ये रेजिन होता है। ओके, और इसमें कोबाल्ट और कैटलिस्ट मिलाने के बाद ये फिर हार्ड फॉर्म, ये हार्ड होने लगता है। तो ये मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता है? ये लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में आप उसमें डालते हो सूख जाता है। हाँ, उसमें कोबाल्ट और कैटलिस्ट मिलाने के बाद ये 10-15 मिनट में ये फाइबर बन जाता है। और इसमें ग्लास वूल हम लोग यूज करते हैं इसके स्ट्रेंथ के लिए, उसकी मजबूती के लिए। नेक्स्ट स्लाइड, तो ये जो है ये सेम चीज है? हाँ, सेम चीज है, इसको हम लोग जोड़ना। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है? 6 mm होती है। तो आप इसमें वेरिएशन ला सकते हैं या एज पर द साइज, या फिर 6 mm स्टैंडर्ड है? 6 mm काफी स्ट्रांग होता है, ऐसे उसे कम भी रखा जा सकता है। okay. और उसे ज्यादा भी आप कर सकते हो, डिपेंड करता है कि उस पर कितना लोड होगा या उसका हाइट क्या है। ओके, स्ट्रक्चर का। तो कितना चांसेस होते हैं कि जब आप ये मोल्ड कुछ सिलिकॉन में डाल रहे हो अंदर से हिल जाए, कुछ बैलेंस आउट हो जाए, कुछ खराब हो जाए अंदर? देखिए, स्टार्टिंग में तो हमारे काम में भी प्रॉब्लम होता है जब बिल्कुल शुरुआत में, तो ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है कि अब ऐसा नहीं होता है। और खासकर जब हम लोग ऐसा एक इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, मतलब गलती का कोई भी कोई हम लोग कोई रास्ता नहीं ऐसा खुला रखते हैं। तो इसकी केमिकल की भी टेस्टिंग करते हैं, उसको मोल्ड के ऊपर डाल के कि कितने देर में वो सूख रहा है। तो सिलिकॉन का मोल्ड हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि सिलिकॉन में कोई रिस्क नहीं होता। तो एक बार ही मोल्ड बन जाए तो उससे जितना मर्जी आप बना सकते हो? हाँ, अगर आप पीस मोल्ड बनाते हैं सिलिकॉन के साथ तो आप उससे 500 या कम से कम आप 15-20 पीस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये जो देखा था आपने, ये मेकिंग ऑफ डॉक्टर के अग्रवाल बस्ट या फिर स्कल्पचर, जो फाइनल आउटकम है वो हम अभी दिखाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि ये इन्होंने ग्लास में फिनिशिंग दी है तो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, इतना डार्क है नहीं। तो अभी अगर ये
इसको हम दिखाएंगे तो ये फाइनल है। मैं कोशिश करूंगा कि ये ये थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा राइट नीचे नीचे जमीन पे। ये इतना डार्क है नहीं बट क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इसको कैमरे पे दिखाना बहुत ज्यादा जस्टिस नहीं है इसके लिए का आर्टवर्क के लिए, बट फिर भी अगर आप देखोगे इसमें फिनिशिंग ऊपर बिल्कुल ऊपर बताएंगे इसके बारे में सामने इसका जैसे थोड़ा सा टेक्सचर क्या है, ये क्या मटेरियल है, ये फाइबर ग्लास है, इसके ऊपर कॉपर के ऊपर कॉपर कलर किया गया है। इसमें और कौन से कलर्स कर सकते हैं, कोई भी डार्क टोन, डार्क टोन भी कर सकते हैं। ब्रोंज पतीना के काफी कलर्स आते हैं, ग्रीन स्टोन होता है, डार्कर होता है, फिर ये बैरियम या कॉपर से मिलता जुलता है, बैरियम यूज करते हैं पतीना के लिए, ये कॉपर मतलब एक ब्रोंज को पतीना करने के लिए काफी केमिकल्स आते हैं। तो आप जैसा कलर आप चाहते हो उस तरह से इसका फिर वो पतीना के बाद कलर का इफेक्ट आने लगता है। तो इसमें मैंने एक्रेलिक पेंट किया है, ये फाइबर ग्लास इसमें मैं पतीना नहीं कर सकता, तो इसमें मैंने एक्रेलिक पेंट किया है। और इसकी लाइफ क्या है, इसकी लाइफ कम से कम 15-20 साल तो आउटडोर में, आउटडोर में तो पानी में भीग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका रंग नहीं उतरेगा, इसके ऊपर एक वार्निश किया जाता है, वार्निश के बाद इसका कलर और ये सारा सब कुछ सेफ रहता है। ओके okay. तो इस पे धूप का छाए का तो 15 साल तक जो इसकी लाइफ है, इसके बीच में इसको दोबारा इसको रीशेप करना पड़ता है या फिर दोबारा कलर का इसका टचअप देना पड़ता है दोबारा? हाँ कलर तो आपको करना ही होगा, कलर का 5-6 साल में, 5 साल। तो जो एक आता है जो मार्बल फिनिश आता है उसमें आप करते हो, वो क्या चीज़ होती है? मार्बल फिनिश में हम लोग रेजिन में ही मार्बल डस्ट और पिगमेंट होता है वाइट ऑफ वाइट होता है वो मिक्स करके करते हैं, फिर उसको आपको कलर करने की कोशिश होती है, वो वैसा ही का वैसा रहता है। ओके तो अब इसकी जो जैसे जैसे आपने बोला आउटडोर में 15 साल है, अगर इसको इंडोर में रखें तो इंडोर में इसकी लाइफ मतलब खराब होती है क्योंकि ये वेदर से बचा रहता है। तो इसका लगभग वेट 15-20 किलो के करीब। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हम इसकी थोड़ी सी ओरिजिनल फोटोग्राफ्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, एंड जो जस्टिफिकेशन है मैं इसके पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से इसका आया है। डॉक्टर के वाज ऑलवेज सीन विद स्टेथोस्कोप, तो यहाँ पे आपने देखा है स्टेथोस्कोप है इनका। आपका सबसे ज़्यादा फेमस जो सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड है वो किसमें होती है? अभी तो रियलिस्टिक काम मेरा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे ही काम मेरे पास आ रहे हैं। नहीं तो जैसे ये वाला जो है जैसे कॉपर फिनिश में ज़्यादा जाता है वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, मतलब जो खरीद रहे हैं या उनकी क्या पसंद है, और जो हमारा अपना क्रिएटिव वर्क होता है उसमें हमारा भी सब मतलब पसंद चलता है कि मैं कैसा, उसमें कोई किसी का कोई भागीदारी नहीं होती।
हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जरा। क्योंकि ये कॉपर का है तो इस पे जो लाइट आ रही है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, और क्योंकि ऑब्वियसली एक नया पीस आया है तो फिर इसलिए थोड़ी सी रिफ्लेक्शन इसमें बहुत तेज आ रही है, तो इसलिए हम इसमें रियल फोटोग्राफी दिखा सकते हो। जो ग्लासेस हैं इसके अंदर वो ओरिजिनल हैं जो सर पहनते थे जी। ये ठीक है सर, थैंक यू सो मच। So we would like to end this show with the note that we would like to thank this person who has created a sculpture for Dr. J.K. Agarwal. Online itna aapko phir bhi resemblance kitni aa rahi hai mujhe nahi pata, but jo abhi reality mein jo samne dekh sakte hain it is very very close. Aapne bahut zyada is pe kaam kara hai aur ek ek minor features aapne isme dale hain. So with this note we would like to thank you and sir, so with this note, I would like to thank you for coming on this show, and मैं चाहता हूँ कि आपको सम्मान मिले इस चीज़ पर, और जो आपने जितनी शिद्दत से ये बनाया है, I think उसका I would not say thank you because इसके कोई words नहीं है. So thank you everyone for joining in. See you again next week Tuesday with a new topic. Thank you.